जन्नती घर कौन है, सुकून वाला घर कौन सा है, जिस घर से कुरान की आवाज आए। आज हमारे घरों से दो ही आवाज आती है, या टीवी की आवाज आएगी या बीवी की आवाज आएगी, बस तीसरी आवाज बंद है। ला तजलु बुयूतकुम मकाबिर इन शैतान यनफिरु मिनल बैति अल्लज़ी तुक़रा फीहि सूरतुल बकरा, सही मुस्लिम किताबु सलातिल मुसाफिर हदीस नंबर 780। लोगों अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, उसमें कुरान पढ़ा करो, सूरह बकरा पढ़ने से शैतान भाग जाता है। सल्लू फी बुयूतकुम, अपने घरों में नमाज पढ़ो। कौन सी नमाज? नफली नमाज, सुन्नत, फर्ज तो यहाँ मस्जिद में आगे पढ़ना। सही मुस्लिम किताबो सलातिल मुसाफिरिन हदीस में 3 मरतबा 7 7 7 7। नमाज पढ़ो, नफली नमाज घर में पढ़िए, आपका घर जन्नत बना रहेगा, सुकून ही सुकून है। अगर घर में म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक है, गाने हैं, तो फरिश्ते आएंगे, रहमत आएगी, रहमत आएगी नहीं। और मोबाइल फोन में हम और आप देखते ही, कान में लगा लगा के हम और आप सुनते हैं, रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, आपका घर जन्नत बना नहीं रहेगा। मरने के बाद जो जन्नत मिलने वाली है, गाना सुनिएगा। अपने घरों को अगर सुकून वाला बनाना चाहते हैं, गाने को हटा दीजिए, सब को निकाल, कुरान से शांति मिलती है, क्योंकि कुरान पढ़ेंगे तो वहां रहमत की बरखा बरसती है। वो घर जन्नती घर है जिस घर में कुरान पढ़ा जाए।